बड़ौदा दा बस स्टैंड बहुत ही मॉडर्नाइज किया हो इतों हम असं जावे चंपानेर वर्ल्ड हैरीटेज साइट और अलोल असं रुके हैं थोड़ी देर और इतने सामने ही जो चंद्र शाह का मकबरा जोड़ा 1526 ईस्वी से बनया सी ये चंपानेर का आखिरी शासक सीगा जिसने इतने दफनाया गया सीगा। तो आओ देखते हैं ये चंद्र शाह का मकबरा पिंड हलोल ये बड़ौदा तो चंपानेर के रस्ते के विस्तार से आता है। अच्छा अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो मुस्लिम कारीगर थे ना हाँ उन लोगों ने बनाया है पर ये जो ऊपर के जो गुंबज और ऐसा है ना वो हिंदू संस्कृति सभ्यता के आधारित है। बिल्कुल उसमें कला दिख रही है ऐसा ही बहुत खूबसूरत बना है। ये देखा ना चेन्स चेन्स के साथ लटकाए हुए हाँ, जो है ना वो ही ये हैगा जी सिकंदर शाह का मकबरा जेड़ा चंपानेर का लास्ट रूरल रूलर सीगा ये हलोल ही बनया। अच्छा ओके 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 हूँ असी हलोल तो बाद पहुँच गए हैं पावागढ़ पावागढ़ के बस स्टैंड तो जीप राही असं उत्थे पहुँचे हैं उपर कालका पीठ हैगा आ तो इतों असं रोपवे से केबल कार राही उपर जावे तो अद्धा घंटा लगता है रोपवे द्वारा यदि कोई 150 रुपये टिकट हैगी है तो देखते हैं उपर हाइट के उत्ते बनया हुआ मंदिर पार्वती जी ने यहाँ महाकाली का रूप धारण किया था जब महाकाली का रूप धारण जो उनके पिताजी थे अच्छा उन्होंने वो हवन कर रहे थे ना हाँ उनको आमंत्रित दिया था। अच्छा शिव 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 पार्वती को आमंत्रित दिया दोनों को ठीक पार्वती गए पिताजी का है तो उनको वहाँ पर वो काफी कुछ सुनाया पिताजी ने फिर वहाँ पर उनको गुस्सा आ गया उसकी वजह से काली विदा रोक लिया तो हवन में हवन ने भी चक्र छोड़ा तो उसको पता हुआ हम जो है वो आए यहाँ अच्छा इसलिए सब नव दुर्गा बोल रहे हैं ओके नौ अंग कटे थे उनके हाँ जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ उनका मंदिर बना मंदिर बन गया। तो यहाँ बाएं पैर के अंगूठे का बाएं पैर के अंगूठा कट के गिरा। अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ भद्रकाली माता जी का भी मंदिर है उनकी बहन का ओके अच्छा ठीक है ठीक है बहुत धन्यवाद जी थैंक यू जी थैंक यू सर। कहाँ से आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हाँ जी दोस्त है ना तो ये जो आते हैं
ਖੱਚਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ। लो जी हुण पहुंचे हां असीं पावागढ़ तो बाद चंपानेर दे विच। ये हैगी आ साहिर की मस्जिद। ये शाही घराने लई एक मस्जिद बनाई गई सीगी 15वीं तो 16वीं शताब्दी दे विच। पिलर ते आर्क बीम दे नाल इस्लामिक स्टाइल दे विच इह कोई 56 मीटर लंबी ते 40 मीटर चौड़ी बहुत वड्डी मस्जिद हैगी है। इहदे विच दो वड्डे मीनार हैगी है और एक आर्क वाला एंट्रेंस हैगा आ। और ये भी काफ़ी अच्छी हालत च है। अंदर यह वड्डा गुंबद उच्चा और ये पिलर ते बीम और अंदर 6-7 मेहराब बनिया हुई हैं अंदर। तो इधर बहुत घट विजिटर आते हैं चंपानेर। तो ये भी वर्ल्ड हैरीटेज साइट के शामिल किया हुआ यह एरिया चंपानेर का, जो गुजरात की पहली राजधानी सी। यह काफ़ी अच्छी कारविंग की हुई है ये, पर इतने बहुत घट टूरिस्ट आते हैं। कोई जिन्होंने कोई इतिहास के नाल लगाव हैगा वो टूरिस्ट इतने आते हैं। तो इस तों बाद मैं जाऊँगा एक होर मुहम्मद शाह बेगड़ा की मस्जिद हैगी है, वो भी बड़ी सुंदर हैगी है, वो देखने जाऊँगा। तो ये सी ताहिर की मस्जिद। आ देखो मेहराब और ये उपरला गुंबद पिलर अज भी 600 साल बाद भी बड़े अच्छे कंडीशन इच खड़े आ। लो जी दोस्तों हुण खड़े हाँ असीं इत्थे पावागढ़ दे विच सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा बनाई ये मस्जिद। बहुत ही सुंदर
जो 1513 ईस्वी कंप्लीट हुई सी, इनू यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स दे विच भी शामिल किया गया। इत्थे पावागढ़ चंपानेर जिहड़ा हैरीटेज पार्क हैगा आ उहदे विच इह शामिल है। तो हाली भी बहुत शानदार हालत च इहदे रिमेन्स हैगे आ। 66x55 मीटर दी साइज दी इह मस्जिद हैगी आ। सामने दे दो मीनार जिहड़े मेन हैगे आ उह 30 मीटर उच्चे ते 5 मंजिला ते हैगे आ, और 5 दे सामने एंट्री गेट हैगी आ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਪਿੱਲਰਸ ਔਰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹਿਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਨੌ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।